नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूं। आज है आप लोगों का 17 अगस्त और आज के जो है ट्रेड टेस्ट से बच्चे बाहर आ चुके हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर किया है। तो लगातार इससे पहले जस्ट अभी मैंने जो है 1 घंटा पहले आप लोगों को एक वीडियो उपलब्ध करवाया था। अब मैं आप लोगों के लिए दूसरा ट्रेड टेस्ट का एक्सपीरियंस वीडियो भी लेकर के आ चुका हूँ। लगातार बच्चे हमसे संपर्क में बने रहते हैं, इस कारण से मैं ये आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। आप लोगों को प्रत्येक वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है। हर एक प्रत्येक बच्चे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को पूरा ध्यान से सुनना है कि कौन आपसे क्या क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इस बार लगातार बदलाव हो रहे हैं। आरपीएफ वालों को पता चल चुका है किस प्रकार से हम तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार से एमसीजी एकेडमी आप लोगों की सहायता कर रही है। तो आप लोगों को प्रत्येक वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि किस प्रकार से वो आप लोगों से क्या क्या करवा रहे हैं। हर एक अपडेटेड नॉलेज आप लोगों को दिन प्रतिदिन मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाता रहूंगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, बॉसरमैन ट्रेड वालों के लिए स्पेशल वीडियो है और हमारे नीचे जो आप लोगों का आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से चैनल दिया गया, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगामी 1 तारीख से कोई भी अपडेट होगा आप लोगों को उसी चैनल पर उपलब्ध होगा। जब तक मैं आप लोगों को जो है अपडेट उपलब्ध करवाता रहूंगा, जब तक आरपीएफ वाले सभी लोग ज्वाइनिंग नहीं कर लेते। इन भाइयों का एक्सपीरियंस बहुत ही अजब गजब है। इनसे सब्जी भी कटवाई गई है, सब्जी भी बनवाई गई है, बर्तन भी धुलवाए गए हैं। तो बॉसरमैन ट्रेड वाले थोड़ा सा सावधान रहें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो इनको पूरा अंत तक ध्यान से जरूर सुनिएगा। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर, आपका आरपीएफ का ट्रेड टेस्ट हो गया ना सर? हाँ हो गया सर। किस दिनांक में था? आज ही था। आज डेट क्या सर? मतलब 17 अगस्त को था ना सर। सर, आप अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहोगे? करूंगा बिल्कुल सर। तो थोड़ा बताइएगा सर, मतलब सर किस प्रकार से क्या हुआ सर, बिल्कुल सुबह से शाम तक क्या क्या हुआ? क्योंकि सर प्रतिदिन क्या है, कुछ कुछ चीजें बढ़ती जा रही हैं, कुछ कम होती जा रही हैं, कुछ अपडेट हो रहा है, कुछ मतलब बदलाव वो भी कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनको पता है कि इस प्रकार से जानकारियां बच्चों को उपलब्ध हो रही है। सही है कि नहीं? थोड़ा बहुत वो भी बदलाव कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है एक्सपीरियंस की वीडियो यदि बच्चे देखते रहेंगे तो उनको भी जो है अनुभव मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपना पूरा पूरा एक्सपीरियंस बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे उनको जो है सहायता मिल सके। और सर, आपने जो है मेरी एक्सपीरियंस की वीडियो देख रखी है क्या पहले से? मेरे दोस्त ने देखी है। हाँ सर, वो सर उससे सहायता मिली सर? आप क्या कहना चाहोगे? सहायता तो मिली, उसने बताया था। हाँ सर, तो सर बस मैं यही कहना चाहूंगा सर, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जिससे आपके भाई लोगों को भी थोड़ा सहायता मिले सर। ओके। हाँ तो आप सर सुबह से बताइएगा सर किस प्रकार से क्या हुआ। और सर जितने भी इसको क्या है हजारों बच्चे सुनने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरा अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। सही है कि नहीं सर? हाँ तो सर आप बताइएगा पूरा डिटेल से, सुबह से क्या क्या हुआ आपके साथ, पूरा एक एक चीज बताइए सर। आज हमारा वॉशरमैन का ये था क्या ट्रेड। हाँ, वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट से हो आप सर? वॉशरमैन ट्रेड में कुक होता। हाँ सर, खाना पकाना पड़ता। हाँ, और कुछ बर्तन धोने पड़ते। वॉशरमैन में? हाँ, वॉशरमैन से थे ना आप सर? हाँ, वॉशरमैन में फॉर्म डाले थे इसलिए। हाँ सर, बताते रहिए। हाँ, बताइए सर क्या क्या करवाया था सर आपसे? सवेरे से सर आप शुरू सर सुबह सुबह से बताइए, बिल्कुल सुबह कितने बजे अंदर लिया, क्या क्या करवाए सर? 5:30 बजे से शुरू हो गया। हाँ, ट्रेड टेस्ट 5:30 बजे से लाइन में लग गए थे सर आप? हाँ, लाइन में लग गए। और एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड चेक होने लगा, जिसका नहीं था वो उनको वापस। हाँ सर बोल। हाँ हाँ बोलिएगा सर। हाँ, और एक एक चेक करके और बटालियन के अंदर ले गए। सर गेट पर क्या क्या चेक करते हैं सर, मेन गेट पर? एक आइडेंटिटी कार्ड और अपना प्रवेश पत्र। सर आइडेंटिटी कार्ड में कुछ भी हो सकता है सर? हाँ, लाइसेंस भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है। हाँ सर बोलिएगा सर। हाँ, वो एक ऐसा प्रॉपर प्रूफ चाहिए। हाँ सर, उसी से अंदर आने देते। हाँ सर। सर वो अंक सूची हो सकती है क्या, आपकी मार्कशीट हो सकती है? मार्कशीट नहीं, वो नहीं, उतना बड़ा नहीं, वो आइडेंटिटी प्रूफ रहा, फोटो क्या बोलते हैं, फोटो आईडी से इससे। हाँ सर चलेगी। हाँ सर बताते रहिए सर। हाँ हाँ सर, उसके बाद अंदर ले गए। हाँ सर, और
था कि आपका ट्रेड कौन सा है, आपका नाम क्या है और सीरियल वाइज नंबर से बताया। हाँ सर। हाँ और एक एक नंबर दिया। हाँ सर। हाँ आज 400 लोगों का ट्रेड टेस्ट हुआ। आज टोटल 400 लोगों का हुआ सर। हाँ 400 लोगों का। हाँ। और सीरियल वाइज नंबर दिया, जो हाँ। जो आए थे हाँ सर। उनको दिया, नहीं आए थे उनको ऑप्शन कर दिया। हाँ सर। सर कितने बजे तक नंबर बांटे सर? लगभग 1 घंटा, मतलब 7:30 बजे तक। हाँ सर। हाँ जल्दी जल्दी थे पर क्या बोलते सामान और रूम कम थे ना, इसलिए बारी बारी से और चेक करने के लिए और ट्रेड टेस्ट करने के लिए बारी बारी से ले गए। हाँ सर। कम जगह थी इसलिए। और हमारा तो 14-14 के ग्रुप से, 14-14 लोगों के ग्रुप से ट्रेड टेस्ट हुआ। सर पहले कितने लोगों का सीधा 14 लोगों का ग्रुप बना दिया डायरेक्ट? पहले 50-50 से। हाँ सर पहले 50-50 लोगों को बनाया। 50-50 से ले लिए और ये ग्रुप बने। हाँ सर। लगभग कितने, 9 9 9 नहीं 8 8 ग्रुप बने सर। हाँ 50-50 से। हाँ सर। और 14-14 का ग्रुप ले गए क्योंकि 14 वो गैसी थे, इसलिए सबको मिलने के लिए क्या बोलते हैं साबित करने के लिए वक्त मिले, इसलिए हर एक जन को टाइम दिया गया। हाँ सर। और उन्होंने उनके मुताबिक किसी ने रोटी बनाना। हाँ सर। सब्जी बनाना और अंडे की क्या बोलते अंडे का ऑमलेट। सर इच्छा अनुसार बनवा रहे थे सर आपसे। हाँ इच्छा अनुसार, मतलब ग्रुप की इच्छा, आप क्या बनाओगे पूरा अगर ग्रुप से बोलते ये बनाओ ठीक है बोल और बनाते हैं। सर ग्रुप मीन्स 14 लोगों का जो ग्रुप होगा वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है सर। कुछ कुछ दोनों के लिए सब्जी बनाने के लिए और कुछ रोटी बनाने के लिए। सर आप लोगों का 14 लोगों का ग्रुप था यही सर? हाँ 14 लोगों का ग्रुपों ने अलग अलग डिसाइड किया किसको क्या बनाना है। यस सर। नहीं 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 तो सर एक ये दिया आप क्या बनाओगे। हाँ सारे जन एक ही बनाएंगे। हाँ सभी लोग एक ही बनाओगे लेकिन सब्जी नहीं तो रोटी। हाँ वो बनाएंगे, वो उनका टाइम दिया गया। हाँ 4 मिनट में रोटी बनाकर पेश किया जाए। हाँ सर। और वो चेक करते। हाँ वो जली है क्या, जली एक भी तो काला धब्बा दगा आ गया। हाँ। तो कट मार तो फेल कर देते। हाँ सर। सर मतलब आप सब कुछ बताइए सर। आटा गूंदा होना चाहिए अच्छे से। जैसे सर अंदर एंट्री हुई उसके बाद से इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताइए सर, किस प्रकार के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट थे वहाँ पे? और एक बड़ी वाली सेगड़ी रहती ना गैस की। हाँ सर। पावर बटन की नहीं, वो घूमने वाली जैसे नल वॉल रहते वॉल। हाँ सर। वॉल ऐसे घूमते गोल 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 वैसे वो गैस थी। हाँ सर। हाँ कुछ लोगों को आया, कुछ को ज्यादा ये बढ़ा दिया फ्लेम। हाँ तो सर फेल कर दिया उनको। फेल कर दिया। हाँ मींस टाइम ज्यादा लेने पर फेल किया जा रहा है। हाँ जो सबसे पहले करेगा उसको सर कुछ एक्स्ट्रा बोनस नंबर दिए जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं वो चेक करेंगे। हाँ वो टाइम में ही चेक करेंगे उनको, जो बना उनको ठीक है, नहीं बना तो फेल हो गए ऐसे सर। हाँ सर वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्या क्या थे सर? गैस किस प्रकार की, तवा कैसा था सर, बेलन उल्सा जाली वगैरह सब कुछ बताइए ना थोड़ा थोड़ा सर, क्योंकि आज सब बच्चे सर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आप भी कुछ अलग तरीके से कुछ अलग नया सा बताइए जहाँ पर जो सब कुछ आपने कुछ नया देखा हो वहाँ पे सर। हेलो तो नहीं था। हाँ वो सारे सामान थे, सब्जियां थी साइड में। हाँ आलू भिंडी टमाटर। हाँ वो ये कोथिंबीर ये टमाटर बोलते हैं उसको। हाँ सर। हाँ और एक रेगुलेटर था, रेगुलेटर मतलब ये जलाने के लिए, माचिस नहीं थी रेगुलेटर था। हाँ लाइटर कहते हैं उसे सर। लाइटर लाइटर। हाँ सर बड़ा वाला।
हाँ सर, और एक बढ़िया सी लाइटर कितना बड़ा आपको सर? कोई छोटा वोटा तो नहीं कर दिया सर? क्या लाइटर कितना बड़ा था? बड़ा मतलब बड़ी गैस थी उसलिए वो उसके साइज के हिसाब से था। हाँ सर, वो बड़े वाले बर्तन मानते हैं ना हाँ सर। उसके हिसाब से था वो। और सर आपके साथ कोई और भी विद्यार्थी या आपका कोई दोस्त है? हाँ अभी तो हम घूमने आए हैं। सर, तो आप पूरा पूरा बताते रहिएगा सर। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद वो टाइम रोटियां बनाए, हाँ किसने सर, किसने सब्जी बनाए वो चेक किया गया, टाइम में आ गया तो, हाँ सर, नहीं आ गया तो वो फेल हो गया। और ज्यादा तेल नहीं रहना चाहिए, सब में तेल डाल देते विद्यार्थी पर, ज्यादा तेल डालने से पूरे ज्यादा फेल हो जाते। अच्छा सर, सब्जियां भी बनाई कुछ ने, रोटियां भी बनाई, ऐसा सर आपसे क्या बनवाएगा? उसको सब्जी बनाई थी सब्जी के बारे में बताइए सर, आपने कैसे किस प्रकार से क्या किया तो हिसाब से किया, वैसे घर में सिखाते वैसे। सर? थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, जिससे क्या है कुछ बच्चे बिल्कुल ही नए हैं जो पहली बार देने जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा अनुभव मिलेगा सर आपसे, किस प्रकार से क्या किया और क्या करना है, क्या कर नहीं करना है, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा बताइए ना सर। पहले सामग्री देखी पूरी क्या क्या हाँ है क्या नहीं। हाँ एक कढ़ाई ली, उसको धोने के लिए गए थे तो हाँ धोने के फिर लिए जगह थी सर? हाँ बाहर भेजते थे हाँ सर, और वो सब साफ करके प्लेट वेट साफ करके परोसने के लिए नहीं गया, हाँ और चम्मच चवच सब सामग्री एक एक जगह पे रखी। वो क्या बोलते कढ़ाई ली, हाँ सर, कड़े में पहले गैस शुरू की। हाँ सर, हाँ गैस शुरू करने के लिए देखते पहले गैस शुरू करते हैं कि बर्तन में आता, पहले नहीं तो तेल पहले ही डाल देते वो गर्म नहीं होता है जल्दी से। तो छोटी क्या मतलब सिर्फ एक जन के लिए सब्जी रहनी चाहिए, इसलिए वो थोड़े 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 बनाने के लिए कहते हैं। हाँ सर, हाँ ज्यादा बन गए तो फिर जितना बना जितना उन्होंने बोला उतना ही बनाना, ज्यादा हाँ सर, बनाया तो फेल हो गया। हाँ सर। सर जैसे कि आप बताइए सर, 2 लोगों के लिए सब्जी बनाने हैं तो कितना क्या लेना चाहिए, आलू वालू कितना लेना चाहिए सर? सब्जी जो आपने बनाई थी वो आलू कटी? आलू आलू एक हिसाब से होना चाहिए कटिंग, और एक ही लिया मैंने तो, एक सर आलू एक तीन चार भिंडी थोड़े हाँ सर, थोड़े ज्यादा ही लिए, हाँ और एक आधा टमाटर हाँ सर, थोड़ी कुछ भी हो गई। चलो हाँ सर। सर एक बात और बताइए सर, हाँ सर जैसे कि वहाँ पे वो जैसे सब्जी कटी हुई नहीं रखी थी सर? नहीं काटनी पड़ती, एक ही हिसाब से काटना पड़ता उनको दिखाने के लिए, क्योंकि आप मास्टर हो सर काटना भी है सर, सब्जी बनाना भी है? हाँ काटना भी सब्जी बना भी, उसके लिए कम से कम 15 मिनट का टाइम देना होता है सब्जी के लिए, और रोटी के लिए 5 मिनट। अच्छा सर, आपका टोटल कितना टाइम लिया गया सर? मुझको तो 15 मिनट दे देते। 15 मिनट दिया गया सर। हाँ काटना खाना बर्तन धोना और सर आपका वॉशरमैन का था, क्या बर्तन वगैरह भी धुलवाए सर आपसे? तो दोनों पड़े क्योंकि सर बर्तन धुलवाए गए आपसे? सर थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, थोड़ा, कवरेज प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ थोड़ा सा रुक जाइए, यहीं पर क्लियर आ रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुक जाइए सर। बताइए कि बर्तन धुलवाए थे क्या सर आपसे? धुलवाए तो थे क्योंकि वो दो ईद बर्तन धोए थे, एक कढ़ाई हाँ और एक प्लेट चम्मच ऐसा सर, क्योंकि सर तो। जो पहले टेस्ट चल रहे थे उन लोगों से जो सफाई वाले का नहीं था, तो वॉशरमैन का नहीं था, तो वो वाटर केयर के चल रहे थे, उन लोगों से भी खाना बनवाया, फिर ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपसे भी खाना बनवा रहे हैं, उनसे भी खाना बनवा रहे हैं? वो काबिलियत देखते कुक, पहले ही मैंने यूट्यूब पे देखा था खाना बनाने के लिए बोलेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। हाँ, यदि आप वॉशरमैन से हो तो भी आपसे खाना बनवाएंगे, हाँ पर रेट के हिसाब से तो काम देते, बाद में ट्रेनिंग ऐसा सर? तो सा, 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 सही रहती, मतलब एक जैसी रहती। ऐसा, चलो सर। और आपका सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हुआ सर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होना है अभी, होना है सर, कब होगा सर? वो भी बुलाएंगे तब। तो अभी नहीं हुआ सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नहीं, वो जिन जिन के लिए सिलेक्ट हो गए उनके लिए। उनके लिए नहीं हुआ अभी?
जिनके लिए सिलेक्ट हो गए हाँ उन उनको ही बुलाया, जिनके लिए नहीं सिलेक्ट हो गए उनका नंबर लेके उनको घर भेज दिया। सर, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा? नहीं मैं तो फेल हो गया। हाँ, फेल हो गए हो सर। हाँ क्या सर करें अभी। कोई बात नहीं सर, आगे आपको बहुत सारी जो है रास्ताएं दिखाना चाहता होगा भगवान, कुछ अच्छा ही होगा, इस कारण से आपको कोई दिक्कत नहीं है सर, निराश होने की ठीक कोई है आवश्यकता नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है सर। हाँ थैंक यू हाँ और सर, साथ अच्छे से मेहनत कीजिए सर, कहीं ना कहीं सफलता हाथ लग ही जाएगी सर। और हाँ सर अंतिम समय तक जो है MCG एकेडमी के साथ बने रहना है, जब तक कि आपकी जॉब नहीं लग जाती, क्योंकि सर जल्द से जल्द इस पर जो है कॉम्पिटिशन की क्लासेस भी हम आपको लेकर के आने वाले हैं सर। हाँ ठीक है ओके सर, ओके हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपने अपना कीमती समय अपने भाइयों को दिया। ठीक है ओके सर, आपका जो वीडियो है ये आपको 6:15 पर जो है यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, MCG एकेडमी ग्वालियर। ठीक है थैंक यू और ओके, बेस्ट ऑफ लक और मेरे मित्रों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला नहीं हारना बोलना। हाँ हाँ सर, जी सर, इसी प्रकार से तो मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ सर, थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए जिससे बच्चे क्या है थोड़ा सा अंदर से घबरा जाते कट। ज्यादा बच्चे, घबरा हाँ सर, जाता बोला ज्यादा बच्चे, हाँ हाँ वही तो सर, वो ज्यादा घबरा दिला देते हैं, ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है, क्या क्या करना है कि बोलते एक ही बोलते हैं। हाँ हाँ सर, सब्जी बनाओ एक तो रोटी बनाओ एक तो पराठा बनाओ। हाँ ये भी आपका कहना बहुत सही है सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।